अगर पाकिस्तान ये करता तो पाकिस्तान को के सामने हमारा होता फुल जोश, चीन के सामने हम क्यों हैं खामोश। उसमें इंटरेस्ट सर्विसिंग में 71,000 करोड़ रुपए आपने अभी तक पेमेंट की है और आपने हम लोगों से 23,00,000 करोड़ रुपए ले लिए। जो कंपनी दलाली दे रही है उसी कंपनी के साथ आप सौदा कर लेते हैं, ओवरनाइट सौदा। आज की डिबेट में बात न्यूज 24 के पत्रकार संदीप चौधरी की करते हैं। संदीप अपनी डिबेट में कई जरूरी मुद्दों पर सरकार के प्रवक्ताओं से सीधा सवाल करते हैं, जो गोदी मीडिया की डिबेट में कम ही देखने को मिलता है। चीन के मुद्दे पर न्यूज 24 पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने बीजेपी प्रवक्ता को चीन की घुसपैठ पर जवाब मांगा तो वह सरकार की तारीफ करने लगे, जिस पर संदीप ने उन्हें सही से जवाब देने को कहा। चेतावनी जो है सरदार पटेल ने खत में लिखकर नेहरू को 7 नवंबर 1950 में कही थी कि इन लोगों नेहरू ने गलती की। आप गलती क्यों कर रहे हैं? अगर पाकिस्तान ये करता तो पाकिस्तान को के सामने हमारा होता फुल जोश, चीन के सामने हम क्यों हैं खामोश। संदीप जी, हम खामोश नहीं बैठे हैं, यही तो बात है ना, कूटनीति भी कोई चीज होती है। अगर आज चाइना पूरे विश्व में कॉर्नर हो रहा है तो उसमें क्या आपको लगता है कि भारत का एक रोल नहीं है? केवल लड़ाइयां जो है वो मिलिट्री नहीं होती, डिप्लोमेटिक भी है। और जिस प्रकार से क्वाड आज खड़ा हुआ है और खुले आम क्वाड जो है चाइना के विस्तारवादी गतिविधियों के खिलाफ बोल रहा है, तो भारत का उसमें बहुत बड़ा अहम योगदान है। दौर की बातचीत हो गई, चीन ने सारी बातों को खारिज कर दिया, उल्टा घुसपैठ का आरोप भारत पर लगा दिया। हमने क्या हासिल किया? गोगरा हॉट स्प्रिंग्स क्या हमारे काबू में आ गए, कब्जे में आ गए पूरे? संदीप जी, 13 राउंड की बात भी अगर एक रोग स्टेट हमारी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है तो उसके लिए जिम्मेदार हम तो नहीं है ना। पेट्रोल डीजल के मुद्दे पर हुई डिबेट में एंकर ने जब बीजेपी प्रवक्ता को पेट्रोल के दाम और कम होने की बात कही तो वह ऑयल बैन की बात करने लगे, जिसका संदीप ने भी जवाब दिया। तो 1 साल से 1.5 साल से जो आग लगी हुई थी पेट्रोल डीजल की कीमतों में, तो आपका वो प्रो पीपल स्टांस कैसे हो गया था? वो भी तो आम आदमी के विरोध में ही सारे काम हो रहे थे, तब तो आप जन कल्याणकारी नीतियों की दुहाई देते थे। आज घटा दिए तो कह रहे हैं कि आप प्रो पीपल हैं, विपक्ष एंटी पीपल है। कांग्रेस की जब यूपीए की रजीम थी, कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट, इन लोगों ने 1,44,000 करोड़ का बॉन्ड इशू किया था, बॉन्ड इशू किया था, और इन 7 वर्षों में हमें 70,195 करोड़ हमें देने पड़े सिर्फ सूद के तौर पर। बड़े अदब से ये मैं गुजारिश कर रहा हूँ आपसे, ऐसा कोई धंधा कारोबार मुझे भी समझा दो या देशवासियों को भी समझा दो। 1,34,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड थे, उसमें इंटरेस्ट सर्विसिंग में 71,000 करोड़ रुपए आपने अभी तक पेमेंट की है और आपने हम लोगों से 23,00,000 करोड़ रुपए ले लिए। भाई ऐसा धंधा देशवासियों को भी बता दो। लखीमपुर खीरी घटना के मुद्दे पर न्यूज 24 पर हुई डिबेट में संदीप ने जांच में देरी को लेकर सवाल बीजेपी प्रवक्ता से किया, जिस पर उन्होंने कार्रवाई को सही बताया और सरकार का बचाव किया, जिस पर संदीप ने उन्हें सवालों में घेर लिया। नहीं, पर यहाँ पर कटघरे में जो खड़े हैं वो हैं गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेणी, और मैंने ये FIR की तहरीर पढ़ी है। तहरीर में क्या कहा गया, उक्त कृत्य उक्त गृह राज्य मंत्री और उनके पुत्र उसके पुत्र आशीष मिश्रा मोनू द्वारा सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र पूर्वक की गई है। 1 महीना 5 दिन में अभी तक उनसे पूछताछ नहीं हुई और बाकी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं क्या? अरे संदीप जी, मैं इस बात को फिर पूरी जिम्मेदारी के साथ कहूंगा। हाँ। नहीं, मैं देखिए संदीप जी, FIR के तथ्य है अंतिम सत्य नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। FIR के तथ्यों के आधार पर विवेचना होती है, FIR के तथ्यों के आधार पर साक्ष्यों का संकलन होता है, FIR में कही गई बातों का तर्कों की कसौटी पर कसा जाता है, और ये काम विवेचना अधिकारी का होता है, इन्वेस्टिगेटिंग टीम का होता है, इन्वेस्टिगेटिंग टीम इस पर काम कर रही है। राफेल के मुद्दे पर न्यूज 24 पर हुई डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता ने कांग्रेस पार्टी पर इल्जाम लगाया तो संदीप ने उन्हें कार्रवाई करने को कहा, जिस पर वह बात को जब गोल मोल करने लगे तो संदीप ने सही से जवाब देने को कहा। दसौ ने 65 करोड़ की दलाली दी, जो एक मिनट सुनिए ना, जो कंपनी दलाली दे रही है उसी कंपनी के साथ आप सौदा कर लेते हैं, ओवरनाइट सौदा। जी हो गया आपके पास, धन्यवाद। हाँ, मैं सवाल का जवाब चाहूंगा। हमारा डील गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हुआ है। एक मिनट सर प्लीज, संदीप भाई धन्यवाद। हमारा डील गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हुआ है, डिसॉल्ट कंपनी के बिहार पे फ्रेंच गवर्नमेंट ने डील किया है। अच्छा, सॉवरेन गारंटी नहीं हुई उसमें? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील में हमेशा सॉवरेन गारंटी होती है। सरकार कहती है, फ्रांस सरकार कहेगी दसो आपको 36
रफाल विमान नहीं दे पाई या कुछ गड़बड़ी पाई गई तो हम वो खर्च उठाने के लिए, वो कॉस्ट उठाने के लिए तैयार होंगे। सॉवरन गारंटी तो नहीं थी, तो ये कैसी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील थी? ये सारे प्रश्नों के उत्तर सुप्रीम कोर्ट में दिए जा चुके हैं। अब वो वापस से दोहराएंगे तो वापस से वो आपको भी छूट है। आप अपने चैनल को बोलिए कोर्ट जाए, कोर्ट से फिर वापस ले। आपको संदीप की डिबेट कैसी लगी आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहें पंजाब टुडे के साथ। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।